हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे दही तड़का। दही तो हम हर बार खाते हैं परांठों के साथ, पर इस तरह के तड़के वाला दही अगर आप बना करके खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और तड़का लगाने के बाद में भी हमारा दही फटेगा नहीं, तो थोड़ी सी मैं टिप्स भी दूंगी, तो वो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तड़का लगाने के बाद में भी इतना ही थिक कड़ हमें मिलेगा, इतना ही थिक दही आपको मिलेगा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सब्सक्राइब करें विदिस कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दही, गाढ़ा दही है वही लिया है, तो उसको मैं ले लूँगी एक बाउल में और इसको मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी। इसको हम अच्छे से फेंट लेना है, इसे इसी तरह से हमें यूज़ नहीं करना है। तो मैं इस तरह से अच्छे से विस्क कर लूँगी, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमें सिर्फ 1 कप दही ही लेना है गाढ़ा वाला। घर का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा दही है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको रेडी कर लिया है, तो अब मैं इसको रख दूंगी साइड में। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए एक पैन में मैं ले लूँगी ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल इनफ है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो इसको हम गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, प्री हीट कर लेंगे। और जब तेल हमारा हो जाएगा गर्म, तब मैं इसमें डाली हूँ जीरा, थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हींग और जीरे का दही में। तो जीरा और हींग दोनों अच्छे से जब सौते हो जाएंगे, तब मैं इसमें डालूँ सूखी हुई लाल मिर्च, जो भी ड्राई लाल मिर्च आपके पास बस पड़ी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 सूखी हुई लाल मिर्च है वो यूज़ कर रही हूँ, तो वो डाल दूंगी। और साथ ही में मैंने एक छोटा सा ऑनियन बारीक चॉप करके रखा था, तो वो डाल रही हूँ। अगर आप ऑनियन या दही गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, पर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है ऑनियन का, इसलिए मैंने एक छोटा सा ऑनियन बारीक चॉप करके ले लिया था। तो इसे हमें ब्राउन होने तक सौते नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही। और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट, मैंने इसको कूट लिया था, आपके पास अगर पेस्ट पड़ी है तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हमें थोड़ा सा सौते करना है, जब तक कि इनका कच्चापन निकल नहीं जाता। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया था, तो वो भी डाल दूंगी। और इन सबको भी हम सौते करना है, बहुत ही झटपट बन जाता है विद इन नो टाइम, तो आप 1 से 2 मिनट में अच्छे से सौते हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने करी लीव्स डाल दिया है और कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मेरे पास करी पत्ता था तो सूखा वाला था, तो वो डाल दिया, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी भी डाल दी थी, अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, और अब मैं इसमें डालूंगी धनिया जीरा पाउडर, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। दही हमें तीखा नहीं चाहिए, पर टेस्टी चाहिए और कलरफुल चाहिए, तो हमने हरी मिर्च तो डाली हुई है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर आपको थोड़ा सा और चटपटा चाहिए तो नॉर्मल तीखा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाली हूँ गरम मसाला, इन सबको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। मसाले जब सौते होते हैं तो ही उसका टेस्ट और टेक्सचर अलग ही हो जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मसालों ने अच्छे से तेल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पे हमने जो दही घोट के रखा था वो डालना है, पर उससे पहले हम गैस को कर देंगे बंद, ताकि हमारे जो चांसेस है दही फटने के वो बिल्कुल भी ना हो। तो गैस बंद करने के बाद में दही डाल दिया है, और दही को हमें बहुत जल्दी नहीं हिलाना है, हम एकदम धीरे धीरे हिलाना है, ताकि दही हमारा जो है वो फटे नहीं। अगर आपको दही जल्दी जल्दी हिला देंगे तो फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर तो दही अलग पानी अलग हो जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब देख सकते हैं गैस बंद कर दिया है मैंने, और अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और ये हमारा दही तड़का हो गया है रेडी बिना दही फटे। बस मेक श्योर करिए आप कि इसे हम धीरे ही हिलाना है, और झटपट से ये रेसी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए एकदम ठीक हमारा दही तड़का रेडी हो चुका है, नहीं तो कई बार तड़का ये लगाने के बाद में दही फट जाता है। तो गैस बंद करके दही ऐड कीजिए और एकदम धीरे से हिलाइए, अगर आप तेज़ से फास्ट हिलाएंगे तो भी दही फट जाएगा अगर आपका गैस बंद है। तो ये 2 टिप्स आप ज़रूर से ट्राई रखिएगा, तो टेस्टी ऐसा हमारा दही तड़का एकदम गाढ़ा वाला रेडी हो चुका है। आप इसको रोटी परांठे किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई सब्जी नहीं है, सिर्फ परांठे और ये तड़के वाला दही बना करके खाइए, इतना टेस्टी लगता है और झटपट बन जाता है।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से करेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी एकदम थिक दही वाली, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।